नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्पोर्ट्स अजमेर में। यह पहला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कि काला जयपुर और फुलेरा साई के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें दोनों ही भारी भरकम टीमें हैं। फुलेरा साई ग्राउंड को पूछते हुए और यह काला जयपुर बहुत ही दमखम रखने वाली टीमें हैं। दोनों ही अच्छे फुटवर्क, अच्छे स्किल्स के साथ अपना गेम प्रस्तुत करेगी। सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबला दोनों टीमों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल के लिए। मोदी साहब काफी टॉस हो गई, टॉस तो देगी, टॉस बटन जाओ मुंडो, राजू जी बटन मुंडो करो, बटन मारे साइड टॉस। जयपुर काला और उसके मुझे 10-5-10 का ये मुकाबला। यहाँ पर टॉस पर क्रिया पीटिया जी रणजीत जी जो पिछले तौर पर अजमेर के कोच और राजस्थान पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। टॉस विन बाई जयपुर काला और ग्राउंड ऑफिशियल पीटे है राजू जी चौधरी और रणजीत जी बाना। आज काफी लाइटें, काफी रोमांचक मैच होने वाला है, काफी भारी मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें ही अपने अच्छी पोजीशन और अच्छे स्किल का प्रयोग करके दिखाएगी इस मुकाबले में, और काफी रुक भरा मुकाबला होगा ये। अच्छा मुकाबला, दोनों मजी हुई टीमें हैं भाई। 10-5-10 का ये मुकाबला रखा गया है कमेटी द्वारा, काफी स्पेशलिस्ट मुकाबला है। सेमीफाइनल सेकंड में ये कानाराम जो कि ऑफिशियल जयपुर का रहने वाला है, ये बंदा काफी अच्छी तैयारी करता है। फुलेरा साई का ये खिलाड़ी कानाराम काफी अच्छी चहलकदमी, रनिंग किंग का प्रयास, बहुत अच्छी स्किल है इनके पास। कालिया जयपुर का ये खिलाड़ी काफी पिछले और टोटल का प्रयास रनिंग एक टच मारा है योगेंद्र पर, देखते हैं क्या होता है। और ईमानदारी का परिचय दिया है 3 नंबर से योगेंद्र ने, एक पॉइंट और इस 1 पॉइंट के साथ दोनों टीमें अपने अपने खाता खोला है टीम जयपुर काला ने। साइड इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर और रोमांटिक प्लेयर है ये बंदा, काफी अच्छे फुटवर्क है, अच्छी अच्छी स्किल दिखाता है, नाम के साथ गेम भी है इस बंदे का। दो पॉइंट का इशारा किया है और दो पॉइंट अपने खाते में एकत्रित किया है टीम फुलेरा साई ने। काफी गहरी निगाहों से देख रहे हैं 8 नंबर जर्सी का ये डिफेंडर चेतन, जो कि अभी जयपुर में हुई थी युवा कबड्डी सीरीज, उसमें इसने उन्होंने नेतृत्व किया था अपने टीम से। पूरे खिलाड़ी नेशनल खेले हुए हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उम्मीद है ये फाइनल खेले। लेकिन जो सामने लेवल टीम को भी फुर्ती दिखानी होगी। दोनों यहाँ पर दोनों खिलाड़ी दोनों बाहर थे भाई, रेफरी का मैंने स्वर मान लिया। काले की टीम को संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा और अपने पर काबू करना पड़ेगा। चार एक का स्कोर टीम 3 पॉइंट से भी स्टार्टिंग मैच में पिछड़ती हुई टीम काला जयपुर। अच्छा रेडर है ये बंदा, अच्छे अच्छे स्किलों का प्रयोग करता है। हाल ही में देखे सभी मैचों में रनिंग हैंड टच का प्रयोग और कवर पे योगेंद्र को आउट किया यहाँ पर 8 नंबर जर्सी के इस खिलाड़ी ने।
साहिल चार के डिफेंस जो सबके कबड्डी का सबसे मुश्किल डिफेंस है। इस फोर में एक और पॉइंट का जबर इस डिफेंस में काफी कमियों का संघर्ष करना पड़ता है रेडर को। उठा ले उठा ले बहुत ही शांतपूर्ण माहौल का उठा ले हां ये रोड़ा गैंगरा उठा ले बैठ गई। इस टूर्नामेंट का आयोजन उतारते हुए गांव वाले काफी अच्छा मैच चल रहा है बराबर की दोनों टीमें और अगली टीम तैयार है। एक टीम तो जो जीतेगी यही गिरेगी और दूसरी टीम तैयार है भाई। बैक होल्ड करने का प्रयोग चेतन की ओर से लेकिन नाकाम प्रयास और एक पॉइंट गवा बैठे और टीम काला जयपुर को एक पॉइंट गिफ्ट में दे दिया यहां पर चेतन ने। चार टीम का स्कोर ऐसी गलतियों का अगर पहाड़ खड़ा करते हैं चेतन तो मैच से हाथ धो बैठेंगे भाई और उनका मुकाबला गलतियों से सूझबूझ करनी होगी। काफी अच्छी टीम है वो भी और एक कॉर्नर एक कॉर्नर है बैक किक कॉर्नर के आउट कॉर्नर का बैक किक मारी काना राम ने और बहुत अच्छी बैक किक से यहां पर एक पॉइंट अर्जित किया। बोनस का अटेम्प्ट देखते हैं काफी फुर्तीला चुस्तीला खिलाड़ी है मुझे लगता है खेले खेल गए हैं मेले में। देखो शाबाश जो हमारे कमेंटेटर साथी बोल रहे हैं कि काफी चुस्ती फुर्तीला रेडर है हालांकि बहुत ही इसे रेड में काना अच्छा प्लेयर है। जयपुर के चार डिफेंडर में रेड करना मुश्किल होता है चार का डिफेंस सबसे मुश्किल है। काना 10 नंबर किट में होल्ड करने के प्रयास किए हैं पर 10 नंबर जर्सी काला के जयपुर टीम के खिलाड़ी ने लेकिन कर दी निकला खड़ा हो ही तो भाई साहब खेलवा दो यार अब अगले मैच में चल रहा है खड़ा ही हुई मैच में हुई जयपुर की टीम काफी रोमांटिक मैच काफी चुस्ती फुर्तीला रेडर है ये बंदा 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी अपनी टीम को पहुंचाने के लिए जयपुर को काफी संघर्ष कर रहा है। जयपुर का गया भाई जयपुर का सुपर टैकल ऑन काना रेड में तीन काना जयपुर को सुपर टैकल करना होगा सुपर टैकल पोजीशन में काना राम अगर ये ऑल आउट है काना जयपुर हो जाती है तो लीड काफी बढ़ जाएगी और काना ने देखते हैं क्या करते हैं सुपर टेकन पोजीशन में है काना और काफी संघर्ष पकड़ो हां पकड़ो सेफ पकड़ो रे यार ये बचाओ जरा आगे जाओ बोलो यार टैकल कर दिए गए जर्सी नंबर 8 को। अब तो डिफेंडर बाकी है काले जयपुर के लगाने पड़ा चुप जा रनिंग है टच यहां काफी चुतले पुतले हैं दो नंबर खिलाड़ी भाई साहब
देखो ऑल आउट जयपुर काला, इसको ऑल इन टीम जयपुर काला, चार नंबर जर्सी में, चार नंबर जर्सी में रेड टीम काना टाइम बहुत अच्छा टोटच मारते हैं काना राम। फुलेरा का स्कोर बोर्ड चलता रहेगा, आखिरी टीम तैयार रहे, कहां से निकला था आखिर तैयार है मैच में भाई, बहुत ही चुस्त मुस्त देखते हैं। मैच को काफी स्लो कर रहे हैं, बोनस पॉइंट कॉन्फिडेंस और उसका परिणाम बोनस लेकर बोले आठ नंबर की थोड़े भाई और इन्होंने भी बहुत बोनस का सेव किया है, देखते हैं क्या होगा। कौन है बोनस कौन है? एक पैर हवा में नहीं था, दोनों पे एक साथ जमे हुए थे इसलिए बोनस ना हो पाया। बैक किक इसके बाद कॉर्नर को ऊपर मारा साहिल ने और एक पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के खाते में। इधर से कुछ मूवमेंट भी नहीं नजर आ रहा है कि गेम काले वाले स्लो कर रहे हैं जबकि पॉइंट इनको निकालना है, लेट बढ़ती जा रही है। छोटे कद के काला के खिलाड़ी आप टाइम स्कोर, चेंज कोर्ट स्कोर इस प्रकार है 14-3 बजरंग सॉरी जयपुर साई के 14 और काला जयपुर के 3 11 पॉइंटों की बड़ी लीड बनाती हुई टीम फुलेरा साई अच्छी बढ़िया रणनीति के साथ खेलती हुई टीम और हाफ टाइम बाद में वापस आठ नंबर किट के काले खिलाड़ी अब कुछ करना होगा, जितने पॉइंट ले सको अपने टीम को। यहाँ पर आठ नंबर जर्सी चेतन की ओर से बैक होल्ड करने का प्रयास किया गया लेकिन इजाफा हुआ काले टीम को, बैक होल्ड करने के कारण दोनों खिलाड़ियों को स्कोर दिया गया। अब पॉइंट के लिए है इस हाथ में देखते हैं क्या होता है, कुछ करिश्मा ही प्रदर्शन देखने को मिलता है क्या। टोटल का प्रयास एक नंबर किस में और ये ब्लॉक बहुत शानदार और देखना पड़ेगा एक पॉइंट। यहाँ पर 10 नंबर जर्सी को आउट दे दिया गया है और ब्लॉक अच्छा था लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए खिलाड़ी, उससे पहले सीमा रेखा को पार कर चुका था और फिर जो बोनस का टीम आठ नंबर की टीम के खिलाड़ी द्वारा पिछले रेट में काफी अच्छी अच्छी टूर्निंग कर रहे हैं और इनको मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब में तब जाकर ही इनको जीत पाएंगे इनसे। बोनस प्लस पॉइंट यहाँ पर टीम काला जयपुर ने 2 पॉइंट अर्जित किए हैं एक बोनस के रूप में और एक 15 पॉइंट के रूप में साहिल को आउट लेकिन वापस काना आ गए इसको रोको।
कहाँ पे बेचे थे मुकाबले में जा रहा है ये लापरवाही आपको लिखी दो पॉइंट वापस कान्हा ने ईट का जवाब पत्थर से दो पॉइंट अर्जित करके दिए और कुछ ही क्षण बाद में इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच इन दोनों की होगी और दात्री के बीच में और सक्सेसफुली टैकल यहां पर टीम पुलेरा साई की ओर से भाई आठ नंबर जर्सी को टैकल कर लिया गया था और संघर्षपूर्ण और अच्छा टैकल था बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सेमीफाइनल के महामुकाबले में टीम पुलेरा साई काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है अगर टीम इस मैच में टीम का लक बना रहना है और ब्लॉक की कोशिश जो ब्लॉक सक्सेसफुल ब्लॉक बाहर कर दिया गया है यहां ब्लॉक डेस कर दिया गया है ट्रेडर को सुपर टैकल ऑन है चार नंबर जर्सी का ये खिलाड़ी कान्हा राम सुपर टैकल पोजीशन में रेड देता है हां तीन में खेले जो बोले आगे सबसे सक्सेसफुल रेडर हां तीन में खेला था टाइम पास करता है 19 काफी हद तक एक तरफा चला गया यह मुकाबला पुलेरा साई के खेमे में चला गया है टीम अगर इस मैच में बना रहना है तो टीम काला को परफॉर्मेंस में थोड़ा परिवर्तन करना होगा और गियर बदलना होगा इनका काफी अच्छा गेम था अच्छा खेल रहे थे हमको यहाँ तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं लेकिन हो सकता है इनका टूर्नामेंट बिगड़ गया हो यहाँ पर रेडर सेल्फ आउट हो गए थे यहाँ पर ऑफिशियल टाइम आउट लेकर मंत्रणा की जा रही है क्या डिसीजन रहता है देखते हैं इस मंत्रणा के बाद यहाँ पर सॉइल सेल्फ आउट तो कर दिए गए हैं लेकिन उनका कहना है कि जो डिफेंडर था वो भी शायद लोबी में चला गया तो देखते हैं क्या सुपर टैकल पोजीशन में वो आउट हुआ था तो दो पॉइंट सुपर टैकल के एक पॉइंट यहां पर खिलाड़ी उसको एक दिया गया अब मेरे भाई साहब सुपर टैकल वाले ने इसको दिया दुकान को बदल ले रहे हैं उस रुके यहां तो रुक गया लास्ट पांच मिनट बचे हैं इस महामुकाबले पांच मिनट शेष है भाई अभी तो बहुत टाइम है इनके पास अच्छा खेल सकते हैं ये स्कोर स्कोर 20-10 20-10 का और भाई साहब ने राउंड खेला 20 पुलेरा साई और 10 काला जयपुर का 10 पॉइंट से लीड बनाती हुई टीम पुलेरा साई अरे भाई साहब ने तो उड़वा चंडोट थे तो आते पकड़ोटी ने और भाई साहब ले जाओ गर्ल्ड गर्ल्ड घास घास डबल साई होल्ड करने का प्रयास यहाँ पर हल्की मिसफील्ड हुई और तीन पॉइंट टीम काला के अकाउंट में ऐड कर दिए गए भाई यहाँ पर सुपर रेड मार दी गई स्कोर 13-10 स्कोर 13-10 20-13 का स्कोर 20-13 सात पॉइंट से लीड में रनिंग किक लास्ट चार मिनट बचे हैं इस महामुकाबले में 8 पॉइंट से लीड बनाती हुई टीम पुलेरा
सुपर टेकल पोजीशन में 8 नंबर जर्सी का एक लैडी, दो पॉइंट अर्जित किए अपनी टीम के खाते में। टाइम आउट सेकंड हाफ, फर्स्ट टाइम आउट टीम काला ने। काफी करीबी मुकाबला हो रहा है, 21-15 का ये मुकाबला। यहाँ फुलेरा साई का एक खिलाड़ी शेष रहा है, अगर टीम में बड़ा रहना है तो 4 नंबर जर्सी काना को पॉइंट अर्जित करने होंगे। 6 पॉइंटों की लीड है, बहुत कम है यार, काफी अच्छी अच्छी लीड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत है। लेकिन अगर काना अगर इस बार स्कोर अर्जित करते हैं तो इस मैच में लगभग बड़े रह सकते हैं। अगर यहाँ पर आउट होते हैं तो ऑल आउट के यहाँ पर 3 पॉइंट मिलते हैं, तो उसे काफी हद तक मुकाबला काला के हक में भी आ सकता है। रनिंग किक का प्रयास, आराम आराम यहाँ पर काना की कैच बना दी गई है, बोनस फुलेरा साई और ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया भाई। 4 पॉइंटों की लीड है फुलेरा के पास, 22-18 का स्कोर है, काफी ज्यादा बड़ी लीड नहीं है। लास्ट 3 मिनट शेष बचे हैं इस महा मुकाबले में। अच्छी टीमें हैं दोनों ही, बहुत ही भारी भरकम टीमें हैं। यहाँ पर बोनस का प्रयास किया लेकिन क्लियर बोनस नहीं था, इसलिए एम्पायर ने बोनस को नकारा था। थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको, उठा लो। 4 पॉइंट की लीड है, काफी हद तक टाइम शायद लगभग 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी ने कवर से डबल थाई होल्ड किया। शाबाश शाबाश, काफी हद तक 3 पॉइंटों की लीड रही है और मुकाबले में लगभग 2 मिनट शेष बचे हैं भाई। दो पॉइंट अर्जित किए हैं टीम काला जयपुर के खिलाड़ी ने। ऑफिशियल टाइम आउट लेकर यहां पर स्कोर 22 फुलेरा साई और 21 जयपुर काला के। यहां पर मैच का रुख बदल दिया गया है भाई, बहुत ही करीबी महा मुकाबला है, सेकंड सेमीफाइनल का ये महा मुकाबला बहुत ही करीबी। 1 नंबर जर्सी में ये साहिल काफी बेचीदा महा मुकाबला है, लास्ट रेड तक जाएगा ये मुकाबला, मतलब उसको नुकसान करे, काफी शांत प्रिय मुकाबला। बोनस टू रेडर था यहाँ पर, बोनस मिल गया 23-21 का स्कोर। नहीं नहीं वो भाई ठीक है, 4वां भाई की ज्यादा हुई मांग लेकिन छोड़ गया। 4 के डिफेंस में 8 नंबर जर्सी का ये काला का खिलाड़ी काफी अच्छे हद तक अच्छे फुटवर्क के। 2 पॉइंट का अंतराल चल रहा है अभी, कम से कम 1 पॉइंट तो लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 नंबर जर्सी साहिल को आउट दे दिया गया है, टोट टच ऑफिशियल टाइम आउट लेकर स्कोर 22-23 का स्कोर। लास्ट मिनटों में ये मुकाबला, लास्ट 1 मिनट शेष है भाई, मतलब 2 रेड हो जाएगी, 1 पॉइंट आगे है अभी फुलेरा साई। 4 नंबर जर्सी में मनोज, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इस मुकाबले में, काफी रोचक मुकाबला, जो भी टीम हारेगी 1 पॉइंट से ही हारेगी बस।
सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट यहां पर पुलेरा साई की ओर से लिया गया मंत्र मंत्रणा करते हुए टीम इसको तेईस बाईस का स्कोर है तेईस बाईस का स्कोर मैच डेट है क्यों काफी करीब मुकाबला अंतर है लास्ट 31 सेकंड शेष है इस महामुकाबले में और पुलेरा टीम एक पॉइंट से आगे है काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला ये लास्ट रेड तक मुकाबला टाइम आउट के बाद में सुपर टेकल ऑन है आठ नंबर जर्सी का ये खिलाड़ी पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी है अति आवश्यक है इस टीम में ओ लो 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 ओ खड़ो कर दियो भाई यहाँ पर एम्पायर का निर्णय कोई बात नहीं खिलाड़ी नहीं बोलेंगे कोई भी दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए चार सेकंड बाकी है लास्ट रेड यहाँ पर चार नंबर काले प्लस में हो गई एक पॉइंट लास्ट रेड है इस मुकाबले की और या फिर दो खिलाड़ी लाना जरूरी है इस भाई को ये लास्ट रेड होगी लास्ट रेड है इस मुकाबले की इसी रेड से स्कोर यहाँ स्कोर लेवल है स्कोर लेवल हो गया है टीम काला और टीम पुलेरा साई का भाई अब क्या करो मैं बताओ इसी सेमीफाइनल सेकंड का महामुकाबला मैंने अभी हाल ही में बताया है कि इस महामुकाबले का लास्ट रेड में निर्णय होगा लेकिन लास्ट रेड में निर्णय नहीं हुआ है यह मुकाबला चला गया है पांच पांच रेडों में देखना होगा क्या रहता है क्या नहीं है वो तो आपको पांच पांच रेडों के बाद ही पता चलेगा कौन सी टीम विजेता रहती है इस टीम मुकाबले में जो जीतेगी वह फाइनल में प्रवेश करेगी भाई